हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी का जो सीन है, टाइम हो गया हुआ 12:30 और मैं नीचे जाके फिर से ऊपर आ गया, क्योंकि जो हमारी सुनीति जी है वो फ्रेश होने गई हैं, मतलब अपना ब्रश वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे इसका ध्यान रखना पड़ रहा है। और ये हमारी लाडो रानी जो है, ये अभी मस्त है, उठ गई है। तो इस मेरी प्यारी बच्ची ने रात को मैं बिल्कुल तंग नहीं किया, थोड़ा सा तंग किया बिल्कुल, मतलब वो ना मात्र तंग था जितना ये रोज़ करती है। तो बहुत ज़्यादा सही रहा कि ये अच्छी बच्ची हो गई है ना। बट हमने एक चीज़ क्रैक की है कि अगर हम लाइट लगा के सो रहे हैं तो ये नहीं रोती है, ये चीज़ हमने देखी है। तो हम एक दिन देखा, अभी आज भी देखेंगे, तो देखते हैं कैसा रहेगा। तो मेरी शोना क्या कर रही है अभी, ये हंस रही है, और मैं आपको अभी दिखा नहीं पाऊंगा, बट थोड़े दिन की बात है, उसके बाद दिखाते ही रहेंगे। चलो अभी चलते हैं नीचे, थोड़ी देर में जब तक सुनीति जी आती है उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। गाइज, अभी अभी मैंने मुंबईकर निखिल का व्लॉग देखा, और वो जो है कल रात से जम्मू के अंदर आ गया हुआ है। तो मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए कि जम्मू में आया, हमारे शहर में आया। तो मैं अभी जा रहा हूँ उनसे मिलने, क्योंकि वहाँ पे वीडियो से मुझे पता लग गया वो कौन से होटल में ठहरे हुए हैं। तो अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो अभी अगर वो हुए होटल में तो मैं ज़रूर उनसे मिलना चाहूँगा, और मैं निकलने लगा हूँ यहाँ से होटल में जाने के लिए। तो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर वो मुझे मिलते हैं तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा हमारे लिए। तो एक्साइटेड है, वेरी मच एक्साइटेड, लेकिन मैं जा सकते हैं, मैं दुकान पे हूँ। यस, तो बट क्या पता यार, मिले ना मिले वो तो अलग बात है, लेकिन मिल के रहूंगा। क्या पता मिल जाए, क्या पता ना। हाँ, कुछ नहीं कह सकते, पूछ के तो आ सकते हैं ना कि वो कब तक यहाँ बुकिंग है, ये वो है नहीं, बट क्या पता होटल वाले ना बताएं, मे बी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता। मैं वहाँ पर होटल में बैठा रहूंगा जब तक वो आएगा नहीं या मिलेगा नहीं, सीधी सी बात है। मैं फैन उस बंदे का, हम उसका व्लॉग्स देखते हैं और बहुत ज्यादा मजा भी आता है व्लॉग देखने के। तो बस मैं निकलने लगा हूँ यहाँ से। और तो गाइस, फाइनली अभी मैं पार्किंग में पहुंच गया, और यार मैं एक्साइटेड, मतलब एक फैन मोमेंट वाली बात होती है ना यार, मेरे साथ वो चीज़ है। ऐसे मैं ज्यादातर लोगों के साथ मतलब करता नहीं हूँ कि नहीं जी, जैसे कोई भी डोगा क्लैन आया या कोई आया तो मुझे इतना ज्यादा होता नहीं है, बट यहाँ पे इस टाइम पता नहीं क्यों मुझे एक्साइटमेंट हो रही है कि यार इतना दूर से बंदा, मतलब बॉम्बे से बंदा यहाँ पे आया, तो यार हम नहीं मिलने जा सकते, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए वहां जाना चाहता हूँ। तो बस मैं निकल रहा हूँ और आपको रास्ते में दिखाता हूँ, अगर मिल गए ना तो बहुत खुशकिस्मत है अपनी। बस यहाँ पे पहुंच गए, और यहाँ पे ट्रैफिक जैम है इस टाइम, तो मुझे उनके होटल पहुंचना, बस 5 मिनट का रास्ता उनके होटल का पहुंच मतलब रह गया है। तो भगवान प्लीज यार, 2 घंटे पहले उन्होंने स्टोरी डाली है होटल की, अगर वो यहाँ पर है ना तो मैं उनसे मिलना चाहता ही चाहता हूँ यार, प्लीज। नहीं तो मैं किसी भी तरह यार, इस बार ये जम्मू में तो मैं मिलकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कोशिश करूंगा पूरी पूरी कि मिलूं। तो चलो सिग्नल हो गया ग्रीन। तो गाइस, होटल में तो मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो अब देखते हैं कि साहब कहाँ पे हैं, मिलते हैं नहीं मिलते हमें। गाइस यहाँ पर आके तो यार वो कह रहा है कि मतलब यहाँ के जो रिसेप्शन है वो तो कह रहे हैं यहाँ पर जो है वो चेकआउट कर चुके हुए हैं। तो मैंने कहा यार उनकी 2 दिन की बुकिंग है तो चेकआउट कैसे कर लिया उन्होंने, तो वो कह रहे हैं नहीं जी वो कर चुके हैं चेकअप, तो पता नहीं चेकआउट, तो अब झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है। तो मैं स्पेशल पार्किंग में जा रहा हूँ उनकी गाड़ी देखने के लिए कि गाड़ी यहाँ है तो इसका मतलब वो यहाँ पर है, अगर गाड़ी नहीं है तो वो यहाँ पर नहीं है। दिल टूट गया भाई का, बट चलो कोई बात नहीं, तब भी मैं पार्किंग जाके हिम्मत नहीं हारूंगा, पार्किंग जाकर देखता हूँ क्या माहौल है, उसके बाद ही मानूंगा, मैं ऐसा नहीं मानूंगा। इस पार्किंग में तो यहाँ की पहुँच गया हूँ, बट यहाँ पर मुझे फिलहाल कोई गाड़ी यहाँ नहीं दिख रही है, तो आई थिंक वो चेकआउट कर चुके हुए हैं, कर चुके हैं भाई सब चेकआउट। यहाँ पे कोई गाड़ी ऑडी नहीं है, अब इसके नीचे कोई बेसमेंट होगा तो पता नहीं, बट यहाँ तो ये अगर ये खाली है तो नीचे वाला फुल थोड़ी होगा ना। हो गया पोपट, पोपट गया यार, दिल टूट गया माए में, मतलब अपने घर से उठ के स्पेशल होटल में आया हूँ और आगे जाके यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे वो है ही नहीं है, चेकआउट कर चुके हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात, दिल टूटने वाली बात हो गई। अब तो वैसे यहाँ पे है ही नहीं, मैं बता देता हूँ, एक्चुअली ये रेडिसन था, रेडिसन ब्लू में रुके हुए थे वो। तो रिसेप्शन वाला को पूछा, पहले तो उसने इनकार कर दिया कि नहीं जी इस नाम से यहाँ पे कोई है ही नहीं है, फिर कह दिया कि नहीं जी उनका चेकआउट हो गया। तो मुझे समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं है, बट मेन तो मुझे गाड़ी देख रही थी, गाड़ी नहीं है तो इसका मतलब वो यहाँ नहीं है। तो वो वैष्णो माता गए हुए हैं, वैष्णो देवी गए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने व्लॉग में लिखा कि बुलावा आया है, तो वैष्णो देवी का ही बुलावा होता है हर किसी को। तो चलो किस्मत अपनी नहीं थी मिलने की, होता तो बहुत बढ़िया होता, मिल लेते यार। मूड ऑफ हो गया यार, अपने से तो बड़ी मेहनत की मिलने की, बट किस्मत में नहीं था तो क्या करते। चलो कोई बात नहीं,
किस्मत में कल फिर मिल लेंगे। तो गाइज अभी जो है यार मैं पहुंच गया हूँ घर पे और दिल टूटा हुआ लेके घर पे पहुंचा हूँ मैं, बिकॉज मेरे को पूरी उम्मीद थी कि मैं मिल लूँगा। मैंने जगह ट्रैक कर ली थी कौन सी जगह में है सब कुछ, बट उन्होंने वहाँ जाके बताया कि चेकआउट हो चुका हुआ। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ भाई को, दिल टूट गया भाई का। चलो कोई बात नहीं, इनको पता भी नहीं है अभी तक कि मेरे साथ क्या क्या हो गया है। दिल टूट गया भाई का, क्या बताऊँ यार, दिल टूट गया। कैसे बताता हूँ, वीडियो में दिखाता हूँ ना। पैटी गरम करने के लिए रख दी है मैडम ने। कितने सेकंड लगाए बेबी इसमें? 15 सेकंड बहुत है, तो बीच में स्टॉप कर सकते हैं ना। ओके ओके, एग्जैक्ट सेकंड लगा के, तो जब एग्जैक्ट लग सकते हैं तो फिर दिक्कत क्या है? फिर दो मिनट, तूने तब भी 2 मिनट का टाइम लगाया। मुझे नहीं मजा आता, मैं सीधा मिनट दबाती हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, आइडिया से बंद कर देती। गुड, ये ना बस गर्म ढीली हो जाती है बोला नहीं, ये दिक्कत होती है इनमें बस। ये वही है जो फ्रेश बन गया है, होगी चाहे भी फ्रेश, ठंडी होती है काम मजा नहीं आता फिर। जितनी मर्जी पी सकता है, बस आपका मूड, आपको पीने का शौक होना चाहिए इसको। कुछ लोग हमें बिल्कुल भी नहीं पीते, बट मेरे को यह है कि कड़क चाय होनी चाहिए और वो कड़क चाय हमारे घर में बहुत कम बनती है। जब जब बनती है तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। यहाँ से सर्दी में ज्यादा पी जाती है, गर्मी, अब गर्मी आ रही है, अब कम कर दो। तब भी बेबी सिर को जो है सिर दर्द से बचाने के लिए चाय पीना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये भी एक तरह का नशा ही होता है वैसे, चाय का होता है ना, इसमें अल्कोहल, अल्कोहल होता है, कैफीन होता है इसमें, कैफीन, तो इसीलिए नशा। हाँ बिल्कुल, नशा लग जाती है तो ये लाती है जो बाद में बोलते चाय पीने, अगर सोचो फीकी चाय पीना, पत्ती में ही होता है सारा कुछ, हो गया बाकी। ये इंसान को एक शौक होता है, अगर मैं चाय नहीं पी मुझे सिर दर्द हो जाता है, जैसे ही एक सिप लूंगा वाह स्वर्ग के नजारे आ गए। क्यों गाइस, जो जो लोग मेरी बात से सहमत है प्लीज कमेंट करना कि चाय कितनी ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। ये आप किस में ला रहे हैं जी? ये किस में ले रहे हो? ब्लॉग में। क्यों? मैं सो स्टोरी डाल रही हूं। नो, रोने वाला काम नहीं करना। अच्छा तो डिनर करने लगे, आज इन्होंने बना हुआ है पालक पनीर, तो आज करते हैं पालक पनीर से डिनर। उसके बाद मुझे ऊपर जाके भी इस वीडियो की एडिटिंग भी करनी है, प्लस उसके बाद मुझे फेसबुक पे लाइव भी आना है, क्योंकि मैं रूटीन बना रहा हूँ कि आते ही रोज ज्यादातर फेसबुक पेज पे अपना लाइव। और जिन्होंने हमारा फेसबुक पेज अभी तक फॉलो नहीं किया तो वो कर दीजिए अभी, सुनिधि व्लॉग्स के नाम से। तो पालक पनीर आ गया हुआ है जी, और ये देखो ये बड़े लोग जो है ये अलग अलग, हमारे घर में 3 अलग अलग सब्जियां हैं मेरी, ग्रीन, वहाँ ऑरेंज, वहाँ पे रेड। बटर डालना, इसमें बटर डालेंगे, 2 बटर जी, तो काफी ज्यादा सही। ये देखिए जी बटर का पीस भी पड़ गया, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है हमारा ये पालक पनीर। तो करते हैं अब खाने की शुरुआत। सुनिधि जी आपने नहीं खाना खाना, थोड़ी देर बाद खाओगे? ओके। तो गाइस मेरा डिनर डन हो चुका है, और सुनिधि जी जो है वो भी, उनका भी डन हो गया लगभग, है ना, कम्प्लीटेड। कैसा लगा आज पालक पनीर बना हुआ? अच्छा था, टेस्टी बनाया? अच्छा इन्होंने तो बनाया यार, मैं भूल गया, अपने हाथ से अपनी हाथ की बनाई हुई चीज़ कैसी लगी आपको? टेस्ट लगी मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मम्मी भी आ गई है बड़े दिनों के बाद। मम्मी, हमने तो एक एक रंग की सब्जी खाई ना, मम्मी ने तीनों रंग की एक साथ खानी। इसको बोलते हैं अमीरी, और इसको बोलते हैं फटे हुए गरीबी।